हेलो एवरीवन, आज मैं बनाऊंगी हरे धनिया की चटनी। चटनी बनाने के लिए मैंने 50 ग्राम हरा धनिया लिया है। धनिया को साफ पानी से धो के मोटा मोटा काट लिया है। आधा नींबू, एक छोटा टमाटर, एक छोटा प्याज, 5 कलियां लहसुन की, 3 हरी मिर्च। हरी मिर्च आप स्वाद अनुसार भी ले सकते हैं। धनिया को मिक्सी के जार में डालेंगे। हरी मिर्च, लहसुन, प्याज मोटे टुकड़ों में काट के डाल देंगे। टमाटर मोटे टुकड़ों में काट के डाल देंगे। आधे नींबू का रस निचोड़ के डाल देंगे। चौथाई छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच नमक, नमक आप स्वाद अनुसार भी ले सकते हैं, 1 टेबलस्पून तेल, थोड़ा सा पानी डालेंगे चटनी को पीसने के लिए। जार का ढक्कन बंद करेंगे और सभी चीज़ों को बारीक पीस लेंगे। चटनी बन गई है, एक बर्तन में निकाल लेंगे।